हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी बहुत शॉर्ट स्टोरी रहने वाली है, करीब 30 मिनट्स की जैसे रहती है। बट ये शॉर्ट स्टोरी में मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। ये मेरी स्टोरी जो है वो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी लव स्टोरी है या मेरी क्रश स्टोरी है या कुछ भी है। ये सिर्फ एक ऐसी स्टोरी है जो रिलेटेड टू फीलिंग्स है। इसमें मैं कुछ नाम नहीं देना चाहती, इस स्टोरी को कोई नाम नहीं है, ये गुमनाम है, लेकिन ये दिल के मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। और आज सुबह ही जब मैं ऐसी बैठी थी तो मुझे उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली लाइफ में, तो इसलिए मैं यह आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट कुछ इस तरीके से होती है कि नव्या यानी कि मैं कॉलेज जाती हूँ, और मैं बहुत तेज़ी तेज़ी से भागते हुए कॉलेज जा रही थी, क्योंकि मैं कॉलेज का मेरा फर्स्ट डे था और मैं लेट हो रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कॉलेज के बारे में। तो मैं जब भागते हुए जाती हूँ तब मैं एकदम से टकरा जाती हूँ एक लड़की से, और वो लड़की सीढ़ियों से गिरने ही वाली रहती है। तभी मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलती हूँ, आप ठीक तो हो? तभी वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मुझे ये बताओ तुम इतनी ज़ोरों से भागते हुए कहाँ जा रही हो, और अंधों की तरह भागने का तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक है। यहाँ पर मैं शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है, गिर आप रही थी, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बट एटीट्यूड आप मुझे दिखा रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि बोलो। तो यहाँ से मैं उसको जवाब देते हुए कहती हूँ कि मैं तो फ्रेशर हूँ तो मैं अपना क्लासरूम ढूंढ रही थी, एंड सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट कर दिया हो। तो कहती हूँ ठीक है फ्रेशर हो? तो कहती है कि हाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सारे फ्रेशरों की क्लास लग रही है, जाओ। तभी मैं उससे पूछती हूँ आप कौन? कहती तुम्हारी सीनियर, निकलो यहाँ से। और ऐसे कह के वो लड़की चली जाती है। काफ़ी सुंदर लड़की रहती है, शॉर्ट हेयर्स रहते हैं, पर्सनालिटी उसकी काफ़ी डैशिंग रहती है और बहुत ब्यूटीफुल रहती है। और वो इतनी सुंदर थी कि थोड़ी देर तक तो मैं उसे देखती ही रह गई। मैंने कहा काफ़ी पर्सनालिटी तो काफ़ी औसम है। और उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैं भागते हुए जाती हूँ क्लासरूम में, वहाँ से एक और लड़की से टकराती हूँ, और टकराते हुए वो लड़की कहती है कि क्या हो गया, तुम ढूंढ रही हो क्या क्लास? तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं क्लास ढूंढ रही हूँ। तो हम दोनों फ्रेशर ही रहते हैं, तो वह कहती है लगता है ये है हमारी क्लास, क्या तुमने कंप्यूटर्स लिया है? मैं कहती हूँ हाँ मैंने भी कंप्यूटर्स ही लिया है। वो लड़की अपना नाम बताती है अपूर्वा। अपूर्वा और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और हम दोनों क्लासरूम में साथ में जाकर बैठते हैं। ऐसे ही वो हमारा दिन बीत जाता है, और उस दिन में मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि हमारे कितने लेक्चर्स हैं, हमारी कौन सी टीचर्स हैं और क्या क्या है। और उसी ड्यूरेशन में मुझे एक मैम के बारे में पता चलता है जिनका नाम रिद्धि रहता है। नाम एक्चुअली ओरिजिनल कुछ और है, पर रिद्धि से ही सजेस्ट करूँगी। जो रिद्धि का कैरेक्टर जो आप लोगों ने सुना है वो उन्हीं मैम से निकला है। तो मैं उनको देख के बोलती हूँ उनकी काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है। तो वहाँ से अपूर्वा मुझे बोलती है कि हाँ पर्सनालिटी तो काफ़ी अच्छी है, क्या कर सकते हैं। और इस चक्कर में हमारे 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, कॉलेज आना जाना। और इस ड्यूरेशन में मेरी उस सीनियर से बात बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर एक दिन फ्रेशर पार्टी होती है, और उस फ्रेशर पार्टी में मैं उस सीनियर से मिलती हूँ। और फिर वो टकरा के बोलती है क्यों सीनियर है तो हाय हेलो नहीं करना होता है तुम्हें, क्या इग्नोर करोगी तुम मुझे? तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ नो, मैं काय को इग्नोर करूँगी, मैंने आपको देखा ही नहीं, और वैसे आप यहाँ पर हो पता ही नहीं। तो कहते सीनियर हूँ मैं तुम्हारी और फ्रेशर पार्टी हम ही अरेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग तो होंगे। तो कहती है ओके ठीक है, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। तो कहती किसी और से पूछ लो। तो वहाँ पे थोड़ी देर में वो लड़की वहाँ से टर्न होके चली जाती है। तो वहाँ से उसकी उनकी फ्रेंड जो रहती है उसे चिल्लाती प्रियंका प्रियंका इधर सुनो। तो उस समय मुझे पता चलता है कि इस लड़की का नाम प्रियंका है, और वो फुल ऑन एटीट्यूड वाली लड़की रहती है। तभी मैं उसकी तरफ देखती रहती हूँ, पीछे से मुझे एक टैप करती है, वो मेरी फ्रेंड अपूर्वा रहती है। अपूर्वा कहती है क्या हो गया? तो मैंने कहा यार ये सीनियर्स तो बड़ी मज़ेदार है। तभी मेरी फ्रेंड अपूर्वा मुझे बताती है हाँ मस्त भी है और थोड़ी सी डेंजरस भी है। तो मैं पूछती हूँ क्यों डेंजरस है? कहती है चलती बहुत है इसकी इस कॉलेज में। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पापा पॉलिटिशियन है।
और अच्छी खासी इसकी पूरी जोर शोर से चलती है और हर कोई इसकी मानता है। और हाँ, दादागिरी में भी बहुत नंबर वन है। तो मैं पूर्वा की तरफ देखते हुए बोलती हूँ, तुमने इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों निकाली? तो कहती है, ऑफ कोर्स हम गर्ल्स कॉलेज में हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन तो अपने सीनियर के बारे में निकालनी ही पड़ेगी। तो मैं कहती हूँ, वो तो है, चलो देखते हैं। फिर ऐसे हम लोग ऐसे ही चल रहे रहते, तो वहाँ पर पता चलता है कि फ्रेशर्स पार्टी हो रही रहती है, तो बहुत से लोग मिलते हैं। इस ड्यूरेशन में मेरे बहुत से दोस्त भी बनते हैं और मेरी अच्छी खासी सब लोगों से बात होने लगती है। तो फ्रेशर पार्टी पे जब मैं उसे देखती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी और बहुत मार्वलस लग रही थी। और एटीट्यूड तो उसका बढ़िया ही था और टीचर उसे उसकी बहुत बनती थी। टीचर्स लोग तो लाइक प्रियंका प्रियंका करते थे, तो टीचर्स लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। मेरी तो नज़र उनसे हटी नहीं रही थी। मैं तो काफ़ी टाइम तक उसको ऐसे देखे जा रही थी और सोच रही थी कि अच्छी है, ठीक है। तभी पूर्वा कहती है, मुझे पसंद आ गई क्या? तो मैं उसे कहती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। फिर वो फ्रेशर डे पार्टी भी ऐसी ख़त्म हो जाती है और कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। फिर एक दिन जहाँ आता है कि हमारे सीनियर्स ही हमारी क्लास में आते हैं और हमें बोलते हैं कि देखो, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है जिसका नाम है टैली की क्लासेस सीखना। अगर आप टैली की क्लासेस सीखना चाहते हो तो आप ये क्लासेस ज्वाइन करो, बट इसका रूल है कि अगर कॉलेज 10 बजे स्टार्ट होता है तो आपको 9 बजे आना पड़ेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है आ जाओ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है और आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है, आप आ जाओ। तो ये सुनकर मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने अपूर्वा की तरफ देख के बोला कि तुम चलोगी इस क्लास में? तो वो कहती है, नहीं, मैं ऑलरेडी टेरी की क्लासेस कर चुकी हूँ। तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, पहले से ही सीख लिया? तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि हम जिस फील्ड में हैं उसमें टेरी की क्लासेस सीखना ज़्यादा अच्छा है। और तो मैं बाहर से सीखी हूँ और मेरी बाहर क्लासेस चल रही है, तुम्हें चाहिए तो तुम चली जाओ। तो कहती है कि हाँ। तब मैं उसे बोलती हूँ, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो मुझे कौन सा प्रॉब्लम है। जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती है, हम तो पहले से ही रेडी रहते हैं। ये बोलकर मैं एग्री हो जाती हूँ। फिर मैं वो कॉलेज की क्लासेस में जाना, जो टेली की मॉर्निंग की क्लासेस थी उसमें जाने के लिए स्टार्ट हो जाती हूँ। और मेरे पास मेरी खुद की स्कूटीज थी, जाती थी, आराम से बैठती थी। और उस समय तक अपूर्वा नहीं आती थी, तो मैं जब पहली टैरी के क्लास पे जाती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि यार मैं अभी अभी तो फ्रेशर ही थी, मेरा तो कोई वैसे भी दोस्त नहीं था। और एक ही दोस्त बनी थी, मतलब बने तो 3-4 दोस्त थे, लेकिन एक बोलते ना दिल के करीब वाली दोस्तों से वह अपूर्वा ही थी। और वो भी उस समय मैडम जी कहीं और लगी थी, वो थी नहीं यहाँ पर। तो मैं काफ़ी बोर हो रही थी, तो मैं क्लास में आके बैठ जाती हूँ और मैं वो लेक्चर अटेंड करने के लिए ऐसे देख रही रहती हूँ। तभी उस ड्यूरेशन में मेरे बाजू की सीट में आकर कोई बैठता है और मैं जैसी साइड होकर देखती हूँ, तो वही वो सीनियर बैठती है। तो मैं बोलती हूँ, हाय। तो मेरे मुँह से निकलता, हाय प्रियंका दी, कैसे हो आप? तो वो बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दी तुम अपने पास रखो तो ज़्यादा बेटर है, मैं कोई इतनी बोरिंग इंसान और इतनी बूढ़ी इंसान नहीं कि तुम मुझे दी बोलोगी। तो मैं उसे देख के बोलती हूँ, ठीक है, तो क्या बोलूँ आप बताओ? मैम बोलूँ क्या? आखिर सीनियर हो, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी। तो कहती है, हाँ वो तो तुम्हें देनी पड़ेगी, बट प्रियंका ठीक है, प्रियंका इज़ नाइस नेम, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा नाम रखा है, तुम क्यों दी वी लगा रही हो? मैं उसकी तरफ देख के हंसती हूँ। मैं कहती हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पर मेरी एक और सीनियर से दोस्ती होती है जिसका नाम युक्ति रहता है और एक का नाम यश, यश यश उसको शॉर्ट में यश ही बोलते थे हम, तो यश रहता है। तो हम आराम से उनसे भी बात करने लगती थी, लेकिन प्रियंका के साथ मेरी ज़्यादा अच्छी बनती थी। प्रियंका यूजुअली मेरी तरफ ऐसे घूर के देखती थी और मुझे उसने एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि देखो, मॉर्निंग में ना मैं लेट हो जाऊंगी, तो ये जो फ्रंट सीट है ना ये मेरी ही होनी चाहिए, तुम जल्दी आके ये रिजर्व करके रखना मेरे लिए। तो मैं भी उस समय, ठीक है आ जाऊंगी, सीनियर थी भाई, सुनना तो पड़ता ही था सीनियर की, तो हम भी भाई हाँ ठीक है। तो मैं इस तरीके से हमारी दोस्ती का लेवल स्टार्ट हुआ, तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्लासरूम में आते थे। फिर टैली में तो किसी को इंटरेस्ट था नहीं, क्लास क्या चलती थी, किसी को कोई लेना देना ही नहीं था, हम तो बस वहाँ जाके मज़े लेते थे। मैं काफ़ी सीरियस तरीके से जब टैली की क्लासेस अटेंड करती थी, तो मुझे एक्चुअल में वहाँ से वो प्रियंका दीदी
प्रियंका मुझे पढ़ने नहीं देती थी, हमेशा से टोक देती थी कि क्या है तुम्हें, तुम फालतू की चीज़ों में मतलब हो, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं उनकी बकबक सुनती रहती थी, वो इधर गई, वो उधर किया, उन्होंने शॉपिंग करी, ये वो सारी बातें मैं रोज़ सुनती रहती थी। तो मैं उनकी ऐसी बकबक चलती थी। फिर वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद जो हमारी क्लास अटेंड करने के लिए सर आए थे, एंड वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम सर थे, तो प्रियंका उनकी तरफ देख रही थी। ये बात देख के कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं थी कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं है, बस मुझे ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रियंका मुझसे बात नहीं कर रही है और वो सामने के सामने वो सर की तरफ देखे जा रही है। तो मैं उस दिन उससे रूठ गई और मैं टर्न होके जस्ट अपना पढ़ाई पे फोकस करने लग गई। वो उसको समझ में नहीं आया कि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है या मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि भाई मुझे क्या हो रहा है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद प्रियंका ने भी क्लास अटेंड करी और जब मैं वहाँ से निकल के चली गई तो प्रियंका को ये पता चला कि मैं नहीं हूँ क्लास में, तो वो भागते हुए गई। फिर उसने बहुत बार पूछा कि कहाँ गई है, कहाँ गई है नव्या, क्यों नहीं मिल रही है मुझे, कहाँ चली गई है वो, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। मैं अपने क्लास में गई और अपनी क्लासेस अटेंड करने लग गई, क्योंकि जैसे ही हमारी टैली की क्लास ख़त्म होती थी हमारा एक्चुअल कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। और मैं वहाँ चली गई, मैं अपूर्वा से बात करना स्टार्ट करी और अपूर्वा के साथ रहने मतलब बातें करना स्टार्ट कर गई। तभी वहाँ से प्रियंका पहले तो ढूंढ रही थी मुझे, लेकिन मैं नहीं मिली उनको, क्योंकि उस समय 10 बजे के बाद तो उनका भी कॉलेज स्टार्ट हो जाता था, उनकी भी क्लासेस थी। तो इस तरीके से चलता रहा, 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा था। फिर जब तीसरे दिन वो आज जल्दी आई थी क्लासेस में, टेली की क्लासेस में जल्दी आई और वो सीट वहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट होकर मुझे बोलती यहीं बैठो, तो मैंने बोला नहीं नहीं आप बैठो, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, तो कहती मैंने कहा यहीं बैठो, तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना, तो कहती यहीं बैठो, तो फिर मैं उसके बाजू में बैठ जाती। तभी वो मुझे बोल रही थी कि क्या चल रहा है तुम्हारा 2-3 दिन से, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम प्रियंका रघुवंशी को इग्नोर कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किसको इग्नोर कर रही हो, पहले ये चीज़ जान लो, जिसको इग्नोर कर रही हो ना उसके बारे में पहले पता करो। तब मैंने कहा मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, आप कहीं और बिजी हो तो आप रहो बिजी, मुझे क्या करना है, मेरी भी लाइफ है, मैं बिजी हूँ। तो तभी वो बोलती वो पीछे कौन सी लड़की जो तुमसे इतनी बातें करती है, तो कहती है आप ही की क्लास की है, आप ही की क्लासमेट है वो, और वो सीनियर है, मुझसे बात करती है तो मैं करती हूँ। तभी वहाँ से यश मुझे बोलती है कि इधर आओ, तुम इधर नहीं बैठ रही हो आज। तभी प्रियंका उसे लुक देख के बोलती है कि वो बैठी है ना मेरे साथ तो वो नहीं आएगी, तुम अकेले बैठ जाओ आज। और इस तरीके से उसका एटीट्यूड भी अलग था, थोड़ा हद तक मुझे काफ़ी अच्छा फील भी हो रहा था कि हाँ यार चलो ठीक है, मतलब लाइक समबडी वॉज वेरी जेलस ऑफ माइंड, तो मुझे अच्छा लग रहा था यार। पर फिर मैंने अपनी फीलिंग्स तो कुछ शो नहीं किया, फिर मैं आराम से चली गई, अपनी टैली की क्लासेस कर रही थी। तो वो मुझे ऐसे बोलती हैं सर कैसे लगे तुम्हें, तो मैंने प्रियंका को देख के बोला ठीक ही है और क्या, सर है क्या करना है। तो कहती है तुम्हें पसंद नहीं आया, इतना हैंडसम है। तो मैंने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आया, शायद आपकी कप ऑफ टी हो सकती है बट मेरी नहीं है। तो कहने लगी तुम्हारी कप ऑफ टी क्या है, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता बट ये तो नहीं है, और मैं थोड़े से इतने बड़े इंसान पे लाइन तो नहीं मारूंगी, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं रिद्धि पसंद है, तो जैसे ही उन्होंने उस चीज़ का नाम लिया मैं अपने सर पे हाथ रख के इधर उधर करने लग गई। तो तभी वो बोलने लगी कि बताओ बताओ तुम्हें रिद्धि पसंद है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। वो 2 बार पूछी मुझसे, तीसरी बार मैंने बोला कि हाँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो कहती देखा था मैंने तुम्हें, तो मैंने कहा क्या देखा था आपने, तो कहती है कि हाँ तुम वो रिद्धि के मैम के लिए जो क्लासेस में मतलब स्टाफ रूम में उनकी कॉपीज उठाकर जो तुम घूमती हो उनके आगे पीछे वो सब देखा था। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, तुम अगर इतनी भी चापलूसी भी कर लोगी ना तो वो भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है, उसको जितने मार्क्स देने हैं ना वो उतने ही देगी, इतने पीछे घूमकर कुछ नहीं होने वाला है। तभी मैंने प्रियंका की तरफ देख के बोला तुम्हें क्या लगता है मैं मार्क्स के लिए कर रही हूँ, इतनी कैपेबल तो मैं हूँ,
मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि मार्क्स के लिए करूँ। और पता है, बाय द वे, वैसे भी रिद्धि ने भी मुझे यही बोला था, रिद्धि मैम ने, पर मैंने भी उनको सीधे सीधे यही जवाब दिया, मैम मत दो मार्क्स, फाइनल्स में अपने दम पे कमा लूंगी। तो ये सुनकर प्रियंका मुझे बोलेगी, तुमने सबके सामने बोला था? मैंने कहा हाँ, अगर आप चाहो तो मेरे जूनियर से सबसे पूछ सकते हो, अपने जूनियर से, जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं। मैंने उनके मुंह पे कहा था कि मैडम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मैं फाइनल्स में पास हो जाऊंगी, अच्छे नंबर से भी पास होंगी, इतना तो मैं अपने आप पे श्योर रहती हूँ। ये बात सुनकर प्रियंका को काफ़ी अच्छा लगा कि बंदी बोल्ड है, और चीज़ें हुई। तो ऐसे ही टैली की क्लासेस हमारी चलती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर हमारा कोलैब सीनियर के साथ हो जाता है कंप्यूटर क्लासेस में, और जहाँ कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी, और मैं भी आई थी अपनी फ्रेंड्स अपूर्वा इन सब के साथ, और तब मैं वहाँ पर गई। तभी वहाँ पर जो प्रियंका थी वो आराम से बैठी हुई थी, और वो एक कोडिंग थी C++ की, और वो कर रही थी, और वो वहाँ पे अटक गई थी, उसका आ ही नहीं रहा था। तो मैंने उसे वहाँ से दूर से देखा, और मुझे वो काफ़ी ऐसे मतलब टेंशन वाली लुक पे देखने लग गई। तभी वो मुझे बोलने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि वो हमारी क्लास यहाँ पे कोलैब हुई है। तो कहते हैं, अरे यार ये इतने बड़े पागल हैं कि कहीं पर भी कोलैब कर देते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे। एक काम से तो इनको सिखाते बनता नहीं है, इतनी घटिया टीचर है इस कॉलेज के कंप्यूटर के लिए। और देखो मैं तो कब से अटकी पड़ी हुई हूँ, मेरा तो यहाँ निकल नहीं रहा, और तुम्हें क्या सिखाएंगे? तो मैंने उस पे आराम से देखा, और मैंने कहा कि क्या मैं हेल्प कर दूँ? तो प्रियंका मेरी तरफ देख के बोलने लगी, मुझसे नहीं हो रहा, तुमसे हो जाएगा। तो मैंने बोला, मैं ट्राई कर सकती हूँ, अगर 5 मिनट दोगे आप तो मैं देख लूँ। तो कहती है, एरर आ रहा है, हट ही नहीं रहा है, और तुम्हें पता है ये मुझे आज ही सबमिट करना है, और ये बुढ़ा मुझे जाने भी नहीं देगा अगर मैंने ये सबमिट नहीं किया तो। तभी मैंने हंसते हुए प्रियंका को कहा, क्यों, तुम्हारी तो बहुत पहचान है, जाने दे दे। तो कहती, वो तो है, वो तो मैं पटा लूँगी, लेकिन यार हो नहीं रहा है ना, अब असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, इसके प्रिंटआउट्स भी निकाल कर देने हैं, बोलो क्या करना है? तो मैं हंसते हुए बोलने लगी, मुझे 10 मिनट तो दो, मैं कर लेती हूँ। तो कहती, तुम्हें आती है C++? तुम तो अभी फ्रेशर हो, तुम्हें तो ये पढ़ाया भी नहीं गया है, तुम कैसे कर लोगी? तभी मैं उनके ऊपर हंसते हुए बोलती हूँ, अरे आप मुझे करने तो दो। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, करो करो। तो प्रियंका अपनी सीट से उठ जाती है और साइड में खड़े हो जाती है, और मुझे अलाउ करती है कि आप बैठ के देखो। जब मैं उसकी तरफ देख रही रहती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से वो कोडिंग कर देती हूँ। हालांकि ये बात देखकर प्रियंका काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और इम्प्रेस्ड भी होती है। इम्प्रेस इसलिए होती है क्योंकि मैं फ्रेशर थी, और फ्रेशर होकर फर्स्ट ईयर में जो चीज़ मुझे नहीं पढ़ाई गई है उसकी कोडिंग भी मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर दी। तो वो ये बात देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मुझे कोडिंग इसलिए आती है क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स थी वो ऑलरेडी C++ ये सब क्लासेस जब पढ़ती थी, तो मैं उनके साथ पढ़ती थी क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं अच्छे से जानती थी। जब प्रियंका ने मुझे पूछा तो मैंने कहा, ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मेरे बारे में नहीं जानती हो, मैं बहुत चीज़ों में, हर चीज़ में कैपेबल हूँ। तो कहती हैं, ये बाय लक बाय तो प्रियंका मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो उसने मुझे एक और बोला कि देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसके हिसाब से कोडिंग करके बनाओ, C++ में ट्रायंगल शेप में पूरे अल्फाबेट्स आने चाहिए, ये करके दिखाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो मैंने उनको कर दिया। बाद में वो मुझसे पूछने लगी, तुम इतने अच्छे से आता क्या है? मैंने वही चीज़ बताई कि मेरी सिस्टर्स करती थी तो मैं उनसे सीख चुकी हूँ। ये बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से इम्प्रेस्ड हुई। तो अब पूरा साल भर में ऐसा होता था कि जब भी उन्हें कंप्यूटर्स के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए रहती थी, वो मुझसे कॉल करती थी, मुझसे मिलती थी, और मिलकर मुझे असाइनमेंट देकर चली जाती थी, और मैं चुपचाप उनका असाइनमेंट कर भी लेती थी क्योंकि मुझे हेल्प करना अच्छा लगता था। और जब वो इतने प्यार से देती थी, उसके बदले में कभी कभार तो वो मुझे कैंटीन में जाके खुद अपने मतलब नूडल्स खिलाती थी, कभी समोसे खिलाती थी, और एक सीनियर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी, और मुझसे बात करने से पहले भी लोग सोचते थे क्योंकि मैं आखिर दोस्त तो उनकी प्रियंका की थी। तो ऐसे करके हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। साल का जब दूसरा ईयर होता है तब मुझे टैब करती है, और वो टैब करते हुए वो बोलती है, हे पहचाना मुझे? तो
मैं उसकी तरफ देखकर बोलती हूँ, नहीं मैंने नहीं पहचाना। हाँ मतलब तुम मेरी क्लासमेट हो ये मुझे पता है, बट तुम किस वे में बोल रही हो पहचानने के लिए, मैं नहीं समझी। कहती है तुम्हारा भाई है ना, मैंने कहा मेरा भाई। कहती है तुम्हारे भाई के दोस्त की बहन हूँ मैं, अभिनव की। तो मैंने कहा कौन? तो उसने कहा तुम्हारा भाई जिसका नाम छोटू है। हाँ तुम छोटू के मतलब मेरे मेरे भाई छोटू की बहन दोस्त की बहन हो। कहते हाँ। तो इस तरीके से मेरी उससे दोस्ती होती है और फिर हम दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और इस तरीके से हम दोस्त बन चुके रहते हैं। सेकेंड ईयर में ऐसा था कि मेरा पहले से ग्रुप कुछ और था, लेकिन बाद में कोई और ग्रुप हो जाता है। मेरी आशु के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होने लग जाती है। अश्विनी उसका पूरा नाम रहता है, पर आशु हम उसे निक नेम में बोलते थे। तो अश्विनी से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती होने लगती है। अश्विनी और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अश्विनी ज़्यादातर बैठती भूमिका के साथ थी क्योंकि वो उसकी दोस्त थी और वो फर्स्ट ईयर से साथ में उसके साथ बैठी रही थी। मुझे इस बात पे कोई भी इशू नहीं था क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था और मेरे साथ तो अपूर्वा बैठती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरी पलक से दोस्ती हुई, मेरी आकांक्षी से दोस्ती हुई और ऐसे करके हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि मेरे सीनियर की तरफ, जो मेन फोकस की हमारी हीरोइन है। तो उस ड्यूरेशन तक मेरी सीनियर से काफ़ी अच्छी बनने लग गई थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर मेरी सीनियर की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो कॉलेज में अकेली खड़ी रहती है, तो मैं जब उससे मिलने जाती हूँ पार्किंग लॉट में, जब अपनी गाड़ी निकालने जाती हूँ तो मुझे वो खड़ी मिलती है। तो कहती है मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ हाँ वो दिख रहा है मुझे कि ख़राब हो गई। तो कहती हाँ तो क्या करना है? तो कहती क्या करना क्या है, तुम मेरी गाड़ी को लेकर चलो। मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ मैं कहाँ गाड़ी को लेकर चलूँ? अरे यहाँ से सिर्फ थोड़े से ही दूर पर हमारी वो है, क्या बोलते हैं, गाड़ी रिपेयर हो जाएगी मेरी, वहाँ तक लेकर चलो। मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ कि यार तुम पूरा हक तो मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही दिखाती हो, मतलब ये क्या है? तभी वो मुझे बोलती है मैंने कह दिया ना तुम्हें करना पड़ेगा, इट्स जस्ट अ माई ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो इट नव्या। एंड मैं प्रियंका की तरफ देख के बोलती हूँ कि नहीं नहीं मैं फॉलो नहीं करने वाली हूँ, मैं मेरे पास और भी काम है। तभी वहाँ से आशु बोलती है कि चलें। तो मैं कहती हूँ हाँ आशु चल रहे हैं बस एक मिनट। तो वो कहती है तुम्हारी दोस्त है? तो मैं कहती हूँ हाँ। तो बोलती उसको बुलाओ। तो मैं आशु की तरफ बोलती हूँ यार आ जा। तो आशु मुझे बोलते क्या हो गया? तो मैंने कहा इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है यार, अब क्या करें? तो कहती है कि हाँ यार गाड़ी ख़राब हो गई है तो क्या करना है। तो तभी मुझे आशु बोलती है कि यार मैकेनिक को बुला लेते हैं ना यहाँ पर, तू क्या गाड़ी लेकर जाएगी, मैकेनिक को बुलाते हैं यार, 2 मिनट में मैकेनिक आकर देख लेगा और वो गाड़ी खुद ही टो करके चला जाएगा। मैं आशु की तरफ देख के बोलती यार तेरे में तो बहुत दिमाग है। तो कहती हाँ हाँ तुझसे हमेशा से ज़्यादा है। तो वहाँ पर प्रियंका भी बोलती हाँ जाओ करो तो मेरे लिए। तो तभी आशु मुझे धीरे से पूछती कौन है रे? तो मैं बोलती हूँ वही सीनियर जो मुझे पकाती रहती है। तो आशु बोलती है कि हाँ दिख ही रहा है कुछ ज़्यादा ही जोरों शोरों से तेरे पे हुक्म चला रही हैं। तो मैं कहती हूँ कुछ कर नहीं सकते हैं चल चलते हैं। तो मैं उस समय तक प्रियंका ने मैं भाग ना जाऊँ इसलिए उसने मेरी गाड़ी की चाबी रख ली और मैं आशु की गाड़ी के पीछे बैठ कर बोलती हूँ कि ठीक है मैं आ रही हूँ रख लो मेरी गाड़ी की चाबी, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ। तो कहती हाँ तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके हमारी इस तरीके से मैं चली जाती हूँ, मैं आशु के पीछे। फिर हम लोग जाते हैं मैकेनिक को पास, जाते हैं उसे बोलते हैं और उसे अपने कॉलेज में लेकर आते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी निकालते हैं। ये बात देख के प्रियंका को काफ़ी अच्छा लगता है, वो काफ़ी खुश भी होती है कि वो मदद भी करती है। फिर यहाँ से मैं उसे बोलती हूँ कि अब मुझे मेरी गाड़ी दे दो चाबी, मैं घर जाऊँ। तो कहती गाड़ी जब तक ठीक नहीं होगी तो तुम मेरे साथ ही खड़ी रहोगी। मैं उसकी तरफ ऐसे देख के बोलने लगी ये तो ज़बरदस्ती है यार, मुझे ज़बरदस्ती खड़ा कर रखा जाएगा। तभी मैंने आशु की तरफ देख के बोला आशु तू निकल यार, तेरे को बहुत देर हो जाएगी और तेरी ऑफ कोर्स बैंक क्लासेस भी है, तेरे को वो भी अटेंड करनी है तो तू जा। तो आशु मुझे बोलती कि ठीक है तू देख लेना और सुन कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। आशु काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी और वो हर चीज़ मेरी बहुत अच्छे से समझती थी और ऐसे कह के वो चली जाती है। मैं यहाँ पे प्रियंका की जब तक गाड़ी सही नहीं हो जाती तब तक मैं खड़ी रहती हूँ। इस ड्यूरेशन में मैं जब खड़ी रहती हूँ तो प्रियंका मुझे इशारे से बोलती पानी पूरी नहीं खिलाओगी?
तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, यार मैं क्यों खिलाऊँ, तुम भी खा सकती हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो। फिर मैं कहती हूँ चलो पानी पूरी खाते हैं। फिर हम लोग वहाँ जाके पानी पूरी खाते हैं, उसी गाड़ी जब ठीक हो जाती है तो फिर वो यहाँ से चली जाती है। इस तरीके से अब कॉलेज में रोज़ सुबह मॉर्निंग में मिलना, बात करना, मेरे पे हक जताना, प्रियंका का स्टार्ट हो चुका था। प्रियंका आती थी, बात करती थी, जाती थी, हर एक एक चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। और वो मुझसे मैसेज में भी काफ़ी अच्छे से चैट करती थी और मैसेज में भी वो बहुत बातें करती थी। रात का टाइम तो ऐसा हो चुका था कि जहाँ पर मैं उससे भी बात करती थी और बाकी लोगों से साथ भी बातें करती थी, और मुझे तो अब आदत हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा मेरी मतलब सबके साथ मैं अच्छे से मस्ती मजाक में चलती थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि डिड आई लाइक समवन, डिड आई हैविंग अ फीलिंग फॉर एनीवन, बट हाँ मुझे फीलिंग्स तो थी किसी के लिए, मतलब मैं श्योर नहीं थी, बट मुझे आती तो थी किसी के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती थी। फिर एक टाइम आता है कि जहाँ पर एक कॉम्पिटिशन्स होता है, जहाँ पर ना क्राफ्ट कॉम्पिटिशन होता है, और क्राफ्ट कॉम्पिटिशन में प्रियंका को क्राफ्ट कॉम्पिटिशन के लिए सबसे नंबर फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। और ये बात जब हमें पता चलती है तो हम काफ़ी खुश होते हैं। हम मीन्स मैं, आशु और अपूर्वा और प्लस पलक और मेरे बाकी जो ग्रुप मेंबर्स थे, सबको पता था कि मेरी सीनियर्स के साथ काफ़ी बनती थी, तो सब मतलब मस्ती खोर होते हैं। और फिर हम जाके प्रियंका से ट्रीट भी लेते हैं और प्रियंका हमें बकायदा खुश होकर ऑफकोर्स कैंटीन में ट्रीट भी देती है। इस ड्यूरेशन में मैं उसकी तरफ देखकर बोलती हूँ कि तुम काफ़ी अच्छी क्राफ्ट कर लेती हो, तो कहती काफ़ी अच्छी, मैं माइंड ब्लोइंग हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। उसका एटीट्यूड ही हाई लेवल का था। तो मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ हाँ तो कभी मेरे लिए कुछ, तो वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा जो तुम्हारा क्राफ्ट अच्छा हो, कभी कुछ मेरे लिए भी बनाकर भेज देना। तो कहती है ओके, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर भेज दूँगी, और ऐसे करके वो चली जाती है। हम भी अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हो गए थे, सेमेस्टर्स आ रहे थे, एग्ज़ाम देने थे, सब इसी तरीके से चल रहा था। फिर एक दिन वो मेरी क्लास के बाहर खड़ी रहती है और मुझे टैप करती, मतलब वो ऐसे दूर से वेव करते हुए बोलती बाहर आओ। तो मैं उसे बोलती हूँ कि क्लास चल रही है, मैं कैसे आऊँ। तो कहती है मैंने कहा बाहर आओ, और मैं उसी तरफ ऐसी तरीके से देखती रहती हूँ। तो वहाँ से आशु मुझे बोलती है यार वो तेरे को बुला रही है तेरी सीनियर। तो कहती है कि हाँ लेकिन मैं क्लास छोड़ के कैसे जाऊँ, और मैं बहुत ज़्यादा बाहर देख रही थी। तभी उस ड्यूरेशन में जो रिद्धि मैम रहती है वो मुझे चिल्ला कर बोलती हैं कि क्या है नव्या, तुम कहाँ है, तुम्हारा ध्यान है। और मैं खड़े होकर बोलती हूँ नहीं मैम कुछ नहीं। तो कहती गेट ऑफ माई क्लास, तो मुझे खुद ही मैम बाहर निकाल देती हैं क्लास से। तो मैं बाहर जब चली जाती तो मैं कहती हूँ बस यही काम करो, अच्छा खासा इम्प्रेशन बन रहा था मेरा, तुम मेरा ना सारा इम्प्रेशन की बैंड बजा देती हो, क्या हुआ है, ऐसा कुछ ज़रूरी काम है क्या। तो कहती है कि तुम पहले तो मैसेजेस रीड करना स्टार्ट करो, ओके, जो मोबाइल पे मैं भेजती हूँ, और मेरे मैसेजेस को इग्नोर करने की गुस्ताखी भी मत करना। इस तरीके से प्रियंका मुझे बोलती है। तो मैं कहती हूँ अरे रुको बाबा, मोबाइल साइलेंट पे था, मुझे नहीं पता क्या भेजा तुमने। तो वो कहती है ये लो। तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो वहाँ पर उसने लिखा रहता है कि 10 मिनट में मुझे बाहर मिलो कैंटीन में, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा रहता है। तो वो आती है और एक एक प्यारा सा एक जो बैग होता है, उस बैग में उसने कुछ सामान मुझे दिए थे, तो वो देकर वो चली जाती है। उस सामान पे बहुत प्यार से वो एक कार्ड था, वो हैंडमेड कार्ड था जो उसकी क्राफ्ट के थ्रू उसने मुझे लिख के दिया था। और उस कार्ड में छोटी छोटी चिट्स थी बहुत सारी, उस चिट्स पे उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। उस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा था कि बाप रे उसने इतनी मेहनत करी है। जब मैं वो कार्ड को अपने डेस्क पे लेकर जाके रखती हूँ तभी वहाँ से आशु बोलती है अपूर्वा सब लोग आ जाते हैं कि भाई सीनियर ने कुछ तो दिया है, क्या दिया है इसको। और वहाँ सब लोग मुझे टीस भी करना स्टार्ट कर देते हैं, ये क्या है, मतलब ये क्या चीज़ें हैं यार, वाह कितना मस्त बनाया है कार्ड। और मैं उसकी तरह देखते हुए कहती हूँ कि थैंक यू, अरे हाँ यार मेरे लिए बनाया, अरे उसको कार्ड का शौक है इसलिए उसने बनाया होगा। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये फीलिंग्स क्या है, बट अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा था। और ऐसी सिलसिला होता है, वो कभी भी जब वो खुश होती है या कुछ भी होता था तो वो एक कार्ड बना के दे देती थी, कभी दो कार्ड बनाती थी, और ऐसे करके आज भी मेरे पास वो 3 कार्ड्स रखे हुए हैं जिसमें उसने बनाया था। और एक कार्ड तो उसने बकायदा अपनी मेरी फ़ोटो दोनों को मिलके पूरा बना कर दिया था।
मेरी लाइफ का वो बेस्ट कार्ड है जो अभी भी रखे हैं मेरे पास, तो मैं काफ़ी खुश थी। तो इस ड्यूरेशन में हमारा चलता है, तो एक फ़नी इंसिडेंट ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में सो रही थी और मेरा आज कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं था, मैं काफ़ी अच्छे से सो रही थी, तभी उसका सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आता है और मैं फ़ोन उठा के बोलती हूँ कि हाँ बोलो क्या हो गया, तो कहती है कि तुम कर क्या रही हो, तो मैंने कहा कि मैं तो सो रही हूँ, तो कहती है तुम्हें कॉलेज नहीं आना है आज, मैंने कहा नहीं, और मैंने कहा तुम्हें भी क्यों आना है, तुम्हारा तो लास्ट ईयर है ये और अब तुम लास्ट ईयर में यहाँ आकर क्या करोगी, तो कहती है नहीं मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैंने उसे बोला कि हाँ बोलो क्या काम है, तो कहती है कि चलो कॉलेज में आओ मिलते हैं, मैंने कहा मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ, मैंने कहा ना तुम कॉलेज आओ, प्रियंका मुझे चिल्लाते हुए कहती है, तो मैं उसे कहती हूँ ओके फाइन बाबा मैं आती हूँ, तो वो आती है और आते हुए मुझे कहती है कि देखो इस बार मेरा फ्रेशर मतलब मेरा जाने का टाइम है, तो मैं एनुअल फंक्शन होने वाले हैं और मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो तुम मुझे सजेस्ट करो कॉस्ट्यूम वगैरह ये सब चीज़ें, मैं उसकी तरफ देख के बोलने लगी तुम गलत इंसान को उठा कर लाई हो, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हाँ अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तुम्हारे साथ बैठ के, मैं वो पूरा करा सकती हूँ, बट ये मेरे बस का नहीं है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे चलना है और तुम अभी मेरे साथ चल रही हो मार्केट, वो मुझे अपनी स्कूटी पे बिठा के मार्केट लेके चली जाती है, वहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें देखती है कॉस्ट्यूम्स वगैरह चीज़ें, और मैं उसकी तरफ देख रही रहती हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर्ड हो रही थी उस समय, मैं बहुत ज़्यादा चैटिंग में लगी रहती थी और मैं चैट कर रही रहती थी और मैं उसकी बातों को ध्यान नहीं देती, एक फटनली से उसने मेरा फ़ोन उठा के ऐसे खींच के बोला ये कौन लड़की है और ये कौन है और जिससे तुम इतनी बातें कर रही हो और इतनी रिस्पेक्ट तरीके से, तो तब मैंने उसे बताया कि मेरी फ्रेंड है, और जब मैं उसे ये बात बता रही थी तो मैं बहुत ब्लश कर रही थी क्योंकि वो हुम आई लव द मोस्ट इन माई लाइफ वही इंसान थी वो, तो मुझे भी कोई पसंद था यार ऐसा तो है नहीं, तो वो ये देखकर थोड़ी सी सैड हो जाती है और बोलती है कि ये क्या मतलब तुम्हारी कोई फ्रेंड है इतनी क्लोज, तो मैं उसे उसके बारे में बताती हूँ, तो कहती अच्छा मतलब मैं इसकी भी सीनियर हूँ ये मेरी स्कूल से पढ़ी है, मैंने कहा हाँ आप ही के स्कूल से पढ़ी है, तो कहती इसका एटीट्यूड भी मस्त होगा ना, तो मैंने बोला कि हाँ सारे आप जिस स्कूल से पढ़े हो भाई उस स्कूल की सारी लड़कियों का एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का होता है, दिख रहा है मैसेजेस से तुम्हें नचवाती है अपने अपने इशारों पर, ये बात जैसी उसने कहा तो मैं उसकी तरफ घूर के देखने लगी, मैंने कहा ऐसा नहीं है दोस्त हैं हम, अगर मैं उसके लिए कुछ करती हूँ तो नाचना थोड़ी ना होता है, तो कहती हैं कि चलो अब चुपचाप पॉकेट में फ़ोन रखो और अभी तुम मेरी सुनोगी यहाँ आई हो तुम, और मैं भी उसकी की सुन के उसकी मदद करने लग जाती हूँ, थोड़े टाइम के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं, हम ऑफकोर्स अपने कॉलेज चले जाते हैं, कोई यहाँ से अपने दोस्तों से मिलती है डिसाइड करती है वगैरह, और ऐसे ही वो कुछ दिनों तक तो मुझसे मिलना भी नहीं हुआ उसका, ना मेरे से मैसेज में बात हो पाती थी, वो अपनी लाइफ में बिजी थी मैं अपनी लाइफ में बिजी होती, एक दिन उसका मैसेज आता है कि तुम रेडी हो जाओ और तुम्हें किसी भी हालत में आना है, मेरा प्रोग्राम है मैं परफॉर्मेंस करने वाली हूँ और तुम्हें शूट करना है मेरा पूरा परफॉर्मेंस और मेरे लिए वीडियो बनानी है, तो मैंने उसकी तरफ क्या बोला क्या तुम्हें वीडियो गेम के लिए या वीडियो के लिए ही तुमने मुझे रखा है, तो उसने बोला कि देखो यार तुम आ जाओ ना चुपचाप नाटक मत करो, तो मैंने बोला अरे कोई हमारे मेरी फ्रेंड्स लोग कोई भी नहीं आ रहा है ग्रुप से तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, पर प्रियंका ये नो वर्ड्स मेरे मुंह से तो सुनना प्रेफर नहीं करती थी, तो उसने मुझे बोला आ रही हो या नहीं वरना तुम्हें घर से उठाकर लेकर जाऊं, तो वो मेरे घर को भी जानती थी, हालांकि इतने टाइम में वो मेरे घर आ चुकी थी बहुत बार, मतलब घर पर नहीं आई थी पर बाहर से उसने देख कर ही रखा था, तो मैंने उसकी तरफ देख के बोला अच्छा ठीक है बाबा आ जाऊंगी जाओ तुम, तो मैंने अपने फ्रेंड्स वाले ग्रुप्स को कॉल किया, तो मेरे ग्रुप वाले बोलते कि हम क्यों आए और प्रियंका है तेरी तेरी सीनियर तेरा सब कुछ हमें क्यों फंसा रही है तू, तो मैंने बोला यार कैसे कर रहे हो यार तुम मेरे दोस्त हो यार चलो ना प्लीज़ प्लीज़ चलो, और जैसे ही मैंने उन्हें ये बात कही तो आखिर मेरी भी तो अच्छी खासी बनती थी यार दोस्तों से और मैं भी अपने कॉलेज की काफ़ी पॉपुलर गर्ल थी, तो मेरी बात कोई कैसे टाल सकता था, काम तो सबको मुझसे ही पढ़ना था चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या अकाउंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ के लिए उनको मेरे पास ही आना था,
तो वो लोग भी रेडी हो जाते हैं, आते हैं, फिर शूट होती है, फिर उसके बाद वो मुझसे मिलती है, काफ़ी अच्छा डांस करती है और उसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ, फिर वो मुझसे मिलती है, हम लोग बातें करते हैं, थोड़ा बहुत बाहर खाना खाते हैं और फिर ऐसे हम चले जाते हैं। कुछ टाइम तक हम लोग का ऐसे ही मिलना होता है। जब लास्ट ईयर था उसका और मेरा सेकेंड ईयर था, तो इस ड्यूरेशन में वो एक दिन मुझे कॉल करके बोलती है कि तुम कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं कॉलेज में हूँ। कहती क्लास अटेंड मत करना। तो मैंने बोला क्यों, मैं को क्लास अटेंड करने जाना है। तो कहती है कि नहीं, मेरे साथ चलो। वो बहुत टेंस थी और बहुत ज़्यादा उसको वर्डनेस हो रही थी। तो भी मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया है, तुम इतनी टेंस क्यों हो। तो कहती है यार मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। तो मैंने बोला तो इसमें टेंशन होने वाली क्या बात है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो कहती है नहीं, आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, मुझे मेरा फिगर ख़राब नहीं करना है। तो मैं उसकी तरह हंसते हुए देखकर बोली, मैंने कहा कौन सा तुम्हें मॉडलिंग के लिए जाना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या। तो कहती है नहीं, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही हो अभी के अभी। वो बंदी ने बिना सोचे समझे मुझे अपनी स्कूटी पे बिठा के डॉक्टर के पास लेके चली गई, गायनोकोलॉजिस्ट पे। और गायनोकोलॉजिस्ट उससे वही सवाल पूछता है कि आपका किसी के साथ रिलेशन है। वो कहती है नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, पर मुझे करना है। फिर वो मुझे बोले जा रही थी, हर तरीके से बोले जा रही थी। मैंने उसे शांत किया, मैंने कहा आ जाएंगे बाबा, इतना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुपचाप या सीन क्रिएट मत करो, चलो यहाँ से। मैं उसे वहाँ से खींचते हुए लेकर गई। फिर जब मैं क्लास में पहुँची तब तक मेरा दो लेक्चर ऑलरेडी जा चुके थे। तभी मेरे को आशु बोलते है तू नहीं आ रही थी तो मुझे बता देती। तो मैंने कहा मैं आ चुकी थी और मैं ये सीनियर के साथ, मतलब मैं प्रियंका के साथ बाहर गई थी। तो तभी आशु मुझे बोलती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है प्रियंका, प्रियंका ये खुद भी डूबेगी और तुझे भी लेकर डूबेगी, थोड़ा सा संभल के रखकर। मैंने उसे बोला यार मैं संभल कर ही रहती हूँ, बट ज़रूरत थी उसे। और तभी वो मुझसे पूछती कि कहाँ गई थी। तो मैंने उसे सब कुछ बात बताई कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट में गई थी। तो तभी वो मुझे बोलती है प्रियंका का अफेयर चल रहा है क्या किसी के साथ जो इतना वरीड है। तो मैंने कहा नहीं यार अफेयर नहीं है, बट शी इज़ लाइक फिगर कॉन्शियस टाइप है कि हीरोइन है तो हीरोइन टाइप ही रहना है। तो बोलती है हो सकता है तुझे ना पता हो। मैंने कहा नहीं मुझे पता तो सब कुछ ही रहता है, बट चलो छोड़ो यार क्या करना मुझे। ऐसे ही हम लोग बैठे थे। फिर ये दिन वैसे ही चला जाता है, हम अपनी लाइफ के चीज़ों में बिजी रहते थे। और एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, इस ड्यूरेशन में मुझे भी कभी भी कुछ भी काम पड़ता था, लाइक मेरा फॉर्म सबमिशन, मुझे बाकी काम करने थे, तो मुझे उसके लिए लाइन पे लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्रियंका की एक कन्वर्सेशन या मैम के साथ एक कांटेक्ट में मुझे चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। वो अगर बोल देती थी कि मैम से कि मैम ये काम करना है नव्या का, तो वो होता ही था। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी कि मेरा भी काम हो जाता था और चीज़ें बहुत अच्छी थी क्योंकि उसकी भी कॉलेज में बहुत चलती थी और मेरे साथ मेरे दोस्तों का भी काम हो जाता था। तो इन शॉर्ट सब हैप्पी थे, कोई को भी किसी से प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये था कि थोड़ा हर चीज़ें लिमिट में हो तो अच्छी लगती है। तो हाँ वो पीरियड वाला इंसिडेंट होता है। फिर उसके बाद हम कैंटीन में बैठे थे और मैं समोसे खा रही थी, आई लव समोसा। तो मैं कैंटीन में बैठ के समोसा खा रही थी, उतनी देर में प्रियंका आती है और चम के आके चलाती है मेरे अभी तक पीरियड्स नहीं आए, तुम कुछ करो जैसे मेरे पीरियड्स आ जाएं। पूरा का पूरे मेरा ग्रुप मेरी तरफ देख के बोलता है और वो शॉकिंग, एकदम एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन से मुझे मेरे तरफ देख के बोलते हैं। और मैं उनकी तरफ ऐसे घूर के देखने लगी। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई इसमें, मैं क्या कर सकती हूँ। उसने मुझे जोर से चिल्ला के बोला मैं नहीं जानती, तुम कुछ भी करो। अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मैंने कहा तभी मेरे वो ये बोलकर चली गई कैंटीन से, क्योंकि उसकी फ्रेंड आ गई थी, वो उसके साथ चली गई। यहाँ पर मुझे घेरते मेरे दोस्त बोलने लगे तू क्या करेगी बता बता बता। मैंने कहा, मैंने आशु की तरफ देख के बोला, मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं पता ये क्या बोलकर चली जाती है, मुझे नहीं पता। और वो टाइम भी बहुत मज़ेदार था कि जहाँ आपके दोस्त लोग आपको एक ना लड़की का नाम लेके बहुत टीज करते थे और आपको अच्छा भी लगता था, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो मुझे प्रियंका के नाम से काफ़ी ज़्यादा टीज करने लग गए कि जाओ जाओ लेकर आओ उसके, लेकर आओ। तो मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उसे जो मेरी मम्मी से सजेशन लेकर पूछा कि भाई पीरियड्स नहीं आए मम्मा तो क्या करना रहता है, तो मम्मी ने बोला गर्म चीज़ें खानी रहती है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप पपीता खा लो, कॉफ़ी पी लो, ये सब चीज़ें गर्म गर्म कर लो। तो इस ड्यूरेशन में वो थोड़ा हैप्पी हो गई और चीज़ें हो गई। फिर बाद में उनका तो कॉलेज ख़त्म हो गया और हम लास्ट ईयर में पहुंच चुके थे।
हाँ, लेकिन मेरा कांटेक्ट हमेशा से प्रियंका के साथ हमेशा से रहता था, और प्रियंका यूजुअली मुझसे कॉलेज में भी मिलने कभी ना कभी आती थी, क्योंकि वो कुछ फॉर्म्स ड्यूरेशन के लिए, पीजी वगैरह करने के लिए, कुछ भी मार्कशीट्स में अगर कुछ इशू होता था या उन्हें कुछ भी चीज़ें रिकमेंड करना रहता था, तो वो कॉलेज में आती थी और मुझसे मिलकर भी जाती थी, और ऐसा होता नहीं था कि वो आए कॉलेज और मुझसे ना मिले। और इस ड्यूरेशन में ऐसा था कि मेरे घर के पास एक मंदिर था, जिस मंदिर में वो शाम के टाइम आती थी 5 बजे, और उस वहाँ पर ना बहुत सारे जूसेस मिलते थे, तो वो जूसेस पी कर वहाँ पे वॉक करना उसे पसंद था। तो मुझे कभी भी फ़ोन करके वो बुलाती भी थी कि आओ मैं आ गई हूँ, तुम यहाँ पर आओ। और था तो 3rd ईयर तक वो, उसका तो ख़त्म हो गया था कॉलेज, पर मेरे 3rd ईयर पे मैं उससे फिर भी काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में थी, चैट वगैरह सब होते थे। अब आते हैं मेन क्लाइमेक्स पे। तो मेरी भी जॉब लग गई थी और मैं फिर अपनी होम टाउन छोड़ के मुंबई पहुंच गई। मुंबई में भी मेरा उससे कांटेक्ट होता रहता था, मैं काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ोन पे बात भी करती थी, हमारी बीच की कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी चलती थी। और हम दोनों, एक दिन मैंने उसे अपने कलीग के बारे में बताया जिसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, तो वो मेल कलीग था। और जब मैंने, मतलब इस ड्यूरेशन में शायद मैंने पहली बार उसे किसी के बारे में बताया था, और मैंने उसे बोला वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे दिल के और मुझे पसंद है वो। तो ये बात सुन के प्रियंका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रियंका ने मुझे बोला कि तुम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रख सकती हो क्या? क्या ज़रूरी है क्या उसके आजू पीछे घूमना? और तुम मेरा फ़ोन इग्नोर करोगी उसके लिए? तो फिर सोच ना, मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी मैंने बोला स्टॉप स्टॉप कंट्रोलिंग माई लाइफ ऑल द टाइम। ओके, तुम्हें हर टाइम है, कॉलेज के टाइम पे तुम मुझे कंट्रोल करती थी, चल जाता था, बट यार अब तो मैं बाहर हूँ यार, मेरा दोस्त है, मुझे पसंद है वो, आई लाइक हिम, तो व्हाट्स द इशू? ये बात सुनकर प्रियंका ने मुझसे उस दिन लास्ट टॉक करी थी, और उसने गुस्से में आके मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, और उसका इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसके बाद उसने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। मैंने उसे बहुत अलग अलग नंबर से कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन वो बहुत लेट हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था कि वो ऑल टाइम, मतलब कॉलेज में भी वो मुझ पर कंट्रोल करती थी। बट चीज़ें, जब आप बाहर रहने लगते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपने मतलब आप नहीं चाहते कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, वही एक चीज़ थी। लेकिन वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और शी लाइक्स मी, बट ये बात मुझे समझ में नहीं आया था। वो मुझे पसंद करती थी और वो उस सेंस में पसंद करती थी, ये चीज़ें मुझे समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज लाइफ में समझ ही नहीं पाती थी। मैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब टेंशन में थी, मुझे समझ में नहीं आता था। एक तरफ मुझे लड़का भी पसंद आ रहा है, एक तरफ मुझे लड़की भी पसंद आ रही है, और मुझे प्रियंका काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, तो मैं तो अपनी अलग ही जोन में थी भाई, मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बट प्रियंका की फीलिंग्स अब मेरे लिए बहुत जोरों शोरों से थी, और ये बात मुझे बहुत लेट पता चली, इतनी लेट कि जब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शी लाइक्स मी एंड आई इग्नोर्ड हर। तो वो चीज़ थी, तो वो मेरा लास्ट था, जो 2015 इज़ द लास्ट ईयर व्हेन आई टॉक टू हर। तो मेरी कभी उनसे बात अब नहीं होती है। तो ये मेरी एक छोटा सी, मेरी पूरी लाइफ की जर्नी का एक ये छोटा सा पार्ट था। वैसे मेरी कहानियाँ बहुत हैं, बट ये छोटा सा पार्ट था। अब मैं आपको, जो गलती मैंने करी है वो आप ना करो। मैंने उस दिन अपना ईगो भी दिखा दिया था। हाँ ठीक है यार, सीनियर है, कंट्रोल कर रही है, ये बात गलत है, बट वो तो मेरे साथ हमेशा से वैसी ही थी। अगर आप किसी को पसंद करते हो या आप किसी को एक्सेप्ट करते हो, तो आप वैसे ही रहो ना उसके साथ हमेशा। क्यों आप बदल जाते हो? वो तो नहीं बदला ना, उनकी तो पहले से ही आदत थी कि वो मुझ पे कंट्रोल करना, वो मुझे बोलना, वो मुझे हमेशा से ऐसे चिल्लाकर बोल देती थी, और वो मेरे मुंह से नो या मेरे मुंह से ये सुनना कि किसी और की तारीफ वो नहीं सुन सकती थी, ये उनका डे वन से था। और तो ये चीज़ मुझे समझनी चाहिए थी। उस दिन मैंने
मतलब अपना ईगो दिखाकर मैंने भी उस बंदी को ब्लॉक कर ही दिया था। सच बोलूँ तो मैंने भी ब्लॉक किया था थोड़े टाइम के लिए। फिर मैंने उन्हें नेक्स्ट या नेक्स्ट के नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद अनब्लॉक किया, लेकिन 2 डेज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है या आप पे गुस्सा होता है, तब आपको उसे शांत करके उसे प्यार से समझाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आप उसका नेचर बहुत अच्छे से जानते हो। उसे ठंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप गुस्से में हो तो आप वो गुस्से में है तो आप भी गुस्से में होकर सारे रिश्ते तोड़ दो। आज मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, क्योंकि अगर शायद उस दिन मैंने मैच्योरिटी दिखाई होती, या उस दिन मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया होता, या उस दिन मैंने ये समझा होता कि भाई वो उनका तो नेचर ही वैसा है स्टार्टिंग से, डे वन से वो मेरे साथ वैसी हैं, तो मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है आपके लिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो आपको स्टार्टिंग से कंट्रोल या डोमिनेटिंग या कुछ भी करता है, जिसके आप बातें हमेशा से सुनते हो, और अगर वो इंसान आपसे कभी गुस्सा भी हो जाए तो आप शांत हो जाओ और चुप हो जाओ, और उस समय उसे कुछ भी मत बोलो। अगर वो ये बोले फ़ोन रख दो तो रख दो। जब आप शांत होंगे फिर आप उसको बात करो और उससे वो चीज़ें शॉर्ट आउट करो और क्लियर करो। क्योंकि मुझे नहीं पता ये रिलेशन का क्या नाम था, बट ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल था। क्या थी, दोस्ती थी या दोस्ती से ज़्यादा था, पर क्या था, पर मुझे अच्छा लगता था। मेरे उस दिन थोड़ा सा गलत बिहेवियर ने मुझे आज उनसे कितना कोसों दूर कर दिया, और आज भी मैं रिग्रेट होती हूँ और सोचती हूँ उस दिन अगर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया होता तो ये नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी या उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, कि वो सोशल मीडिया में पहले से ही नहीं थी, उन्हें सोशल मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, ब्लॉक तो उन्होंने मेरा नंबर कर ही दिया था, बट साथ ही साथ मैंने उनको मेल्स भी भेजे थे जो मेरे पास उनकी ईमेल आईडी थी, बट उन्होंने मेरे को ईमेल आईडी पे भी नहीं किया। उनका गुस्सा भी हाई लेवल का था, और भाई वो पॉलिटिशियंस की बेटी थी और जाहिर सी बात है उनका रोप ही अलग था, तो वो तो ये बंदी करेगी मुझे पता ही था। और मैं ये भी गारंटी दे रही हूँ कि जब उन्होंने वो चीज़ की होगी तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट और बुरा लगा होगा, लेकिन उनका भी ईगो बहुत हाई था। तो हम अक्सर ऐसी लाइफ में पहुंच जाते हैं कि जहां अपने ईगो को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम एक्चुअल में इतना ब्यूटीफुल रिलेशन तोड़ देते हैं। तो मैंने जो गलतियां करी हैं वो आप ना करो, और इस गलती से सीखो यार कि प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो शांत होके करो। आज भी मेरी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल इंसान है जिनके आप गाने सुनते हो, वो भी बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं, और मेरी उनके सामने नहीं चलती है। मैं तो क्लियरली बोल रही हूँ कि नव्या मित्तल जो लोगों उसके पास आते हैं बहुत प्यार से बात करते हैं, बट नव्या मित्तल की नहीं चलती है उनके सामने। और वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, मुझे प्यार नहीं करती हैं, मुझे समझती नहीं है, वो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन वो भी बहुत गुस्से वाली हैं। और आज भी जब वो मुझ पर चिल्ला देती हैं ना, या मुझे एकदम से गुस्से में डांटती हैं, मैं अपना मुंह बंद करती हूँ और चुप मुंह से अपने शांत करके बोलती हूँ हम बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि नव्या मित्तल को आज भी गुस्सा नहीं आता है, बहुत गुस्सा आता है, इवन इतना गुस्सा आ जाता है कि ऐसा लगता है कुछ तो कर लूँ, लेकिन उस समय ये सोचती हूँ मैंने सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट किया है, सामने वाले से मैं वैसे ही प्यार करती हूँ, सामने वाले की हर चीज़ें मुझे वैसे ही पसंद है, तो हालांकि मैं उसे क्यों ना समझूँ, क्यों मैं बच्चों की तरह ऐसे ट्रीट करूँ कि नहीं भाई मुझे नहीं समझना, जाओ तुम्हें जो करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो गलती से मैंने सीखा है, किसी अपने करीबी इंसान को खो दिया, वो गलती मैं अब नहीं करना चाहती। इसलिए आप भी ये गलती ना करो, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो भाई अभी से सीखो, सामने वाला चिल्ला दे तो चुप मुंह से बैठो, शांत हो जाएगा, फिर वो अपने आप आ जाएगा, पर किसी के ईगो को हर्ट मत करो।
वरना वो इंसान आपसे काफी दूर चला जाएगा। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती थी, और ये स्टोरी था ना, ये मेरी लव स्टोरी थी, ना ये मेरा क्रश था और ना ही मेरा था। इस रिलेशन को क्या नाम दूँ मुझे भी नहीं पता। आप कोई नाम देना चाहते हो तो दे दो, बट मेरा कुछ भी नहीं था। और मेरी रियल लाइफ के तो मेरे रिलेशंस अलग रहे हैं, और मेरा तो बहुत अलग है, वो मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। बट हाँ, ये चीज़ आपको कुछ सिखा सकती थी, इसलिए मैंने अपने बारे में बताया। बाकी अगर आप मुझसे मेरी लव लाइफ के बारे में पूछोगे, क्या मुझसे ये पूछोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है, तो मैं कुछ नहीं डिस्क्राइब करना चाहूँगी। बट मैंने अपने हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है, और आज भी मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और सामने वाला अगर मुझे कुछ भी चीज़ सिखाता है तो करती हूँ। और हाँ, मैं इनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको लगता है कि मैं गुड लिसनर नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मैं बोल देती हूँ बीच में, लेकिन मैं आपकी हर बात को सुनती हूँ, समझती हूँ, और आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। शायद मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, और आप जो दिन भर में मुझे डांट कर भी सिखाते हो, मैं वो सब सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी कोई भी एक गलती से आपको खोना नहीं चाहती हूँ। यू आर वेरी वेरी प्रीशियस फॉर मी। हैंड और आपके गाने सुनना तो मेरे दिल को छूते हैं, और मेरी ऑडियंस भी आपके गाने सुनती हैं, एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इसलिए जब भी आप गुस्सा करोगे, मैं हमेशा से शांति मिलूंगी, क्योंकि मैं आपको नहीं खो सकती हूँ। और आज भी मैंने आपका दिल दुखाया है, तो उसके लिए सॉरी, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने आज इरिटेट कर दिया, आई एम सो अनोइंग पर्सन, एंड आई एम सॉरी, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ में है तो भाई ऐसे इंसान को मत खोइए, बहुत ज़रूरी। तब तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी था, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, बट आई होप आपको ये सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाय बाय।